नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राम चौक पर गुरुवार की रात दर्दनाक हादसा। तेज गति से आ रहे कैंट्रा ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर मौत। सिल्वर स्क्रीन पर सनी देओल की दमदार वापसी, सिनेमाघरों में फिल्म को देखने के लिए उमड़े लोग। और चुपांकी थाने के पास जहर उगल रही एक इस्पात फैक्ट्री, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का नहीं है ध्यान। अब समाचार विस्तार से। वीरवार रात 8 बजे भिवाड़ी के राम चौक पर तेज गति से आ रहे कैंट्रा ने बाइक सवार को रौंद डाला। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कैंट्रा चालक घटनास्थल से फरार हो गया। घटना रात 8 बजे की है। बाइक चालक सचिन शर्मा अपने भांजे आदर्श शर्मा के साथ भिवाड़ी गाँव से भिवाड़ी मोड़ की तरफ जा रहा था कि तभी राम चौक पर तेज गति से आ रहे कैंट्रा ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार आदर्श की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में सचिन को गंभीर चोटें आई हैं। बहरहाल घटना के बाद से कैंट्रा चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस कैंट्रा बरामद कर अपने कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई में जुट गई है। सचिन की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। भिवाड़ी के चुपांकी थाने के ठीक सामने एक निजी फैक्ट्री से निकलता धुआं वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी कर रहा है। हालात ये हैं कि भिवाड़ी में कंपनियों से निकलने वाला धुआं तेजी से हवा में जहर घोल रहा है और प्रशासन बेसुध है। भिवाड़ी में जहां आए दिन शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद छेड़ी जाती है, लोगों को जागरूक करने के लिए कितने ही कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, लेकिन जल थल व वायु प्रदूषण है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। भिवाड़ी में जगह जगह फैली गंदगी से लोगों को अभी राहत मिली भी नहीं है कि अब औद्योगिक इलाकों में बसी कंपनियों से वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये कंपनी चुपांकी थाने के बिल्कुल सामने है और आप देख सकते हैं कि किस कदर इस कंपनी से निकल रहा धुआं हवा में जहर घोल रहा है, लेकिन प्रशासन है कि सुस्त रवैया अपनाए बैठा है। इस ओर नकेल कसने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर हालात यही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब न्यू गुड़गांव कहे जाने वाले भिवाड़ी में दिल्ली जैसे हालात पनप जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24। वहीं दूसरी ओर जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो भी कुछ इसी तरह भिवाड़ी के स्वच्छता अभियान पर पानी फेर रही है। कंपनी से निकाला गया मलबा बाहर सड़क पर ही फेंक दिया गया। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान की भिवाड़ी में कई जगह सरेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। कहीं वायु प्रदूषण तो कहीं सड़कों पर पसरा कचरा। लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए गए, लेकिन अभी स्वच्छ सुंदर भिवाड़ी के सपने को पूरा करने में कोर कसर बाकी है। एक निजी कंपनी के गेट के सामने फैला ये कीचड़ गवाह है इस बात का कि यहाँ प्रशासन ही नहीं लोगों को खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कीचड़ को डालने के लिए रामपुर मुंडाना में डंपिंग यार्ड बनाया गया है, लेकिन कई कंपनियां वहां तक अपना मलबा या कचरा नहीं पहुंचाती। यहां फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए खबरें 24। Give the world the best you have. The best will come to you.
शायद वो पायलट बनना चाहती है। शायद वो साइंटिस्ट बनना चाहता है। शायद वो दुनिया को नई राह दिखाना चाहती है। शायद वो डॉक्टर बनना चाहती है। We see the vision, what your child sees. Euro Group of Schools. Personality development, good command over English, confidence building, extrovert, choose your option to get the information. बदलते मौसम का मिजाज, कहीं कर ना दे आपकी हालत खराब, हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। अब आपके डॉक्टर होंगे हमारे साथ, जो देंगे आपको हर बीमारी से बचने का सुझाव। देखिए खबरें 24 पर हैप्पी हेल्थ हर रोज सुबह 8:30 बजे। योग से कैसे भगाएं रोग, मन की शांति के लिए ध्यान की टिप्स, बदलते मौसम में कैसे संवारे सेहत, सर्दियों में बच्चों का कैसे रखें खास ख्याल, वर्क प्लेस पर कैसे रहे खुश मिजाज। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह के दिशा निर्देश में खबरें 24 पर देखिए खास प्रोग्राम हैप्पी हेल्थ। किस मूवी ने किया धमाल, किसका हुआ बुरा हाल, कौन हुआ कब किसके साथ, किसने छोड़ा किसका हाथ, बॉलीवुड की हर खबर देखिए खबरें 24 पर 3 बजे। Thank you.
children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. You provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact 01274-244-143-94675-75572. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। शुक्रवार को भिवाड़ी के कुछ इलाकों में दोपहर के समय बिजली बाधित रही। कई कंपनियों में बिजली गुल होने से काम काज ठप रहा। भिवाड़ी के कुछ इलाकों में 220 केवी फीडर से जुड़े 33 केवी फीडर संख्या 3 के कार्य व रखरखाव के चलते शुक्रवार दोपहर बिजली बंद रही। अधिशासी अभियंता दीपक गुप्ता के अनुसार इससे रिलैक्सो फुटवेयर, दीपक इंडस्ट्रीज और नेक्स्ट फार्मा, रोजा हर्बल, कैपिटल मॉल, वीएसपी इंडस्ट्रीज, जेम्स कैब, केके मेटल, सोनिया फोर्जेस और प्रयाग पॉलीमर आदि कंपनियों में बिजली बाधित रही। शुक्रवार को दुनिया भर के सिनेमाघरों में सनी देओल की फिल्म घायल वंस अगेन रिलीज हो गई। दमदार डायलॉग्स और धमाकेदार एक्शन के साथ एक बार फिर सनी देओल हमारे सामने है। इस फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सनी देओल के डायरेक्शन में बनी फिल्म घायल वंस अगेन रिलीज हो गई है। फिल्म 26 साल पहले रिलीज हुई घायल का सीक्वल है। खास बात यह है कि 17 साल बाद सनी देओल ने इस फिल्म के जरिए डायरेक्शन में वापसी की है। इससे पहले उन्होंने 1999 में दिल्लगी को डायरेक्ट किया था। बतौर डायरेक्टर सनी देओल ने इस फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने काफी कोशिश की कि फिल्म कुछ नएपन के साथ दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं 90 की झलक इसमें नजर आ रही है। वैसे सनी देओल का एक्शन काफी इंप्रेसिव है। फिल्म में सनी देओल के अलावा सोहाली खान, ओम पुरी, टिस्का चोपड़ा, सचिन खेड़कर, नरेंद्र झा मुख्य किरदारों में हैं। खबर 24 की टीम ने भिवाड़ी में फिल्म को लेकर लोगों से बात की और थिएटर से फिल्म देखकर निकले लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानी। आइए देखते हैं दर्शकों का क्या कहना है। कैसी मूवी है? सुपर मूवी, सुपर घायल, बलवंत राय द्वारा याद कर गए। अच्छा, स्टोरी है कैसी? नहीं, सुपर लाजवाब स्टोरी है। हां सुपर भाई, बहुत दिनों बाद बलवंत राय ना कुछ नितर राजवंशल की जो पावर है ना भाई, ऐसी पावर होनी चाहिए हर किसी की भाई। सॉलिड पिक्चर है, 100% सुपर हिट होगी पक्का है, 100 करोड़ से ऊपर जाएगी यार। सनी पाजी इज द रियल हीरो इंडियन मूवीज। काफी टाइम बाद सनी देओल की मूवी आई है। पहले जो मूवी थी उसी का रिपीट है, उसका अगला पार्ट है। अच्छा मूवी, अच्छा क्राउड है, काफ़ी दिनों बाद देखने मिला है। मूवी अच्छी है। अभी तक कितने शो चल गए? अभी ये फर्स्ट शो ही हमारा इसमें, और 100 अब शो हो गया। दर्शकों का कितना रुझान है इस मूवी? दर्शक काफ़ी, मतलब दर्शक बहुत पसंद कर रहे थे, काफ़ी दिन से वेट भी कर रहे थे। ये बहुत पहले लगने वाले थे, लेकिन कुछ कारण से डिले हो गया। 5 करोड़ लगे, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। राजस्थानी फिल्म कजराली नखराली का प्रोमो लॉन्च हो गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर रमन यादव ने बीएमए सभागार में फिल्म को प्रमोट करते हुए उद्योगपतियों से फिल्म देखने की अपील की। फिल्म 19 फरवरी को राजस्थान के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं फिल्म का ट्रेलर। दियो से अगर अंधेरा दूर हो जाता तो चांद की किसी को खबर न होती। अगर जिंदगी अकेले ही काटी जा सकती तो रिश्ते और प्यार नाम की कोई चीज न होती। जागती रहती है माँ मुझे सुलाने के लिए, खुद के लिए भी मेरी आंखों में रख देती है मेरी माँ। देख भाईड़ा, ये छोरी है ना, दूर सी चौकी लागे। ये मिठन बाकोई ऐसी वैसी लड़की को नहीं, बातो बहुत ही शरीफ मासूम और सीधी साधी लड़की है। मैं थारे नैना में, मारे है बड़ा में तू, मारो मन बोले है पिया आई लव यू। अंग्रेजी में बोले हाँ चौकी लागे तू,
मैं ही तन कहूँ बड़ी लव यू टू। भाई सॉलिड पिक्चर है, 100% सुपर हिट होगी, पक्का है, 100 करोड़ से ऊपर जाएगी यार। सर सनी पाजी इज द रियल हीरो इंडियन मूवी। काफ़ी टाइम बाद सनी देओल की मूवी आई है, वो पहले जो मूवी थी उसी का रिपीट है ये, उसका अगला पार्ट है। अच्छा मूवी, अच्छा क्राउड है, काफ़ी दिनों बाद देखने मिला है, मूवी अच्छी। अभी तक कितने शो चल गए? अभी ये फर्स्ट शो ही हमारा इसमें, और 100 अब शो हो गया। दर्शकों का कितना रुझान है इस मूवी? दर्शक काफ़ी, मतलब दर्शक बहुत पसंद कर रहे थे, काफ़ी दिन से वेट भी कर रहे थे, ये बहुत पहले लगने वाले थे लेकिन कुछ कारण से डिले हो गया, 5 करोड़ लगे, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। राजस्थानी फिल्म कजराले निखराली का प्रोमो लॉन्च हो गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर रमन यादव ने बीएमए सभागार में फिल्म को प्रमोट करते हुए उद्योगपतियों से फिल्म देखने की अपील की। फिल्म 19 फरवरी को राजस्थान के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं फिल्म का ट्रेलर। दियो से अगर अंधेरा दूर हो जाता तो चांद की किसी को खबर ना होती। अगर जिंदगी अकेले ही काटी जा सकती तो रिश्ते और प्यार नाम की कोई चीज ना होती। जागती रहती है माँ मुझे सुलाने के लिए, खुद के लिए भी मेरी आंखों में रख देती है मेरी माँ। देख भाईड़ा, ये छोरी है ना, दूर सी चौकी लागे। ये मिठन बाकोई ऐसी वैसी लड़की को नहीं, पातो बहुती शरीफ मासूम और सीधी साधी लड़की है। मैं थारे नैना में, भारे हिमड़ा में तू, भारो मर बोले है पिया, I love you। अंग्रेजी में बोले हाँ चौकी लागे तू, मैं भी तन कहूँ बोली love you too। कुर्सो घर हो चटे, एक आदमी अपना शौक ले आगे अपना सगरा परि चौबीस घंटे काम करते हैं वहाँ, उनके एक मनोरंजन के लिए आप उनका समय निकालने के लिए किस प्रकार से प्रयास करें ताकि वो अपने आपकी फिल्म देख करके एक थोड़ा अपना माइंड भी फ्रेश करे और मनोरंजित भी हो जाए? सर जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल हैं जो भी उनके मालिक हैं उनसे मैं तो अनुरोध करता हूँ कि हमें बाहर से आके हम अपनी भिवाड़ी, मतलब भिवाड़ी के अंदर 2 वक्त की रोजी रोटी कमा रहे हैं, और उनसे बस एक ही अनुरोध है कि अपनी भिवाड़ी के लिए सभी वर्करों को थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इस फिल्म के लिए ज़रूर दें ताकि अपनी फिल्म की खूबसूरती वो लोग भी देख सकें। हनुमान जी, आपकी फिल्म के लिए हमारे चैनल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और आप दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी फिल्म को लेकर? दर्शकों के लिए यही है कि अगर मैं, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैं कुछ भी नहीं था, मेहनत करते करते आज मैं इस लेवल पे आया हूँ, तो अगर कोई भी इंसान मेहनत करना चाहता है और मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो आप उन कब आपकी मूवी रिलीज हो रही है एक बार दर्शकों को दोबारा बता दीजिए। 19 फरवरी को सभी सिनेमा में, भिवाड़ी के भी सभी सिनेमा में, और ये राजस्थान की पहली फिल्म है जो 100 सिनेमा में पहली बार लग रही है। बीएमए सभागार में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों ने उद्योगपतियों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में डीएल शाह अवार्ड के बारे में समझाते हुए कंपनियों से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की गई। बीएमए सभागार में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों ने उद्योगपतियों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में डीएल शाह अवार्ड के बारे में समझाते हुए कंपनियों से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। सभागार में क्वालिटी काउंसिल के सदस्यों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से इकाइयों के प्रतिनिधियों को कई तरह की जानकारी दी। इस दौरान बीएमए के सदस्यों के साथ साथ तमाम उद्योगपति मौजूद रहे। श्री राम पिस्टन कंपनी की ओर से तिजारा के गवर्नमेंट स्कूल में किताबों का वितरण किया गया। कंपनी की ओर से करीब 150 छात्राओं को किताबें बांटी गई। और जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राम चौक पर गुरुवार की रात दर्दनाक हादसा, तेज गति से आ रहे कैंट्रा ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर मौत।
सिल्वर स्क्रीन पर सनी देओल की दमदार वापसी, सिनेमाघरों में फिल्म को देखने के लिए उमड़े लोग। चुपांकी थाने के पास जहर उगल रही एक इस्पात फैक्ट्री, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का नहीं है ध्यान। आज समाचारों में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।